हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ BIIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 1 और 2 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दस्तावेज सत्यापन है, वो 1 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक चलने वाला है और जो बहुत जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो दोस्तों, DPI के द्वारा भी काफ़ी तैयारियां इसके संबंध में की गई हैं और जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको लेटर जारी कर दिए गए हैं। तो ऐसे ही मैं एक दोस्तों महत्वपूर्ण लेटर के संबंध में आप लोगों से चर्चा कर रहा हूं और ये सभी लोगों को अपडेट रहना ज़रूरी भी है कि क्या आगे का प्रोग्राम चल रहा है, जो भी चयनित हैं उन लोगों को और जो वेटिंग है उनको भी। तो दोस्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों ने अपने अपने ज़िले में जो भी नोडल अधिकारी हैं और जो सत्यापन समिति में हैं उनके गठन के साथ ही उनको एक पत्र जारी किया है कि भाई आप जो है बैठक में आइए। तो दोस्तों, वो बैठक कब होगी और उस बैठक में क्या क्या इंक्लूड रहेगा ये उस लेटर में लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को उस लेटर को पढ़ के बता देता हूँ। हालांकि जानकारी बहुत छोटी है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये लेटर है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला छिंदवाड़ा से ये प्रेषित किया गया है उन नोडल अधिकारियों को जो कि सत्यापन समिति में शामिल हैं। तो ये श्री है जो भी नोडल अधिकारी होगा उनका नाम। उसके बाद में विषय है उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु अभिलेखों का सत्यापन बावन, ठीक है। संदर्भ है ये DPI से आदेश दिया गया है 5 मार्च को और 17 को इन्होंने जारी कर दिया है। विषयांतर्गत संदर्भित आदेशानुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु अभिलेखों का सत्यापन किए जाने सत्यापन समिति का गठन किया जाकर आपको दायित्व इसका सौंपा गया है। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार दिनांक 8/3/2021 द्वारा दिनांक 1 अप्रैल 2021 से 24 अप्रैल 2021 तक सत्यापन की कार्यवाही संपादित की जाना है। अतः उक्त कार्यवाही सुचारू एवं निर्देशानुसार संपादित कराए जाने की दृष्टि से दिनांक 27/3/2021 को समय 12 से 2 बजे तक जिला कार्यालय में समागार में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है और जिसके संबंधित में दिशा निर्देश आपको प्रेषित किए जाएंगे, दिए जाएंगे। और ये देखिए दोस्तों, ये दिनांक दिया हुआ है 17/3/2021 और इसकी प्रतिलिपि जो भेजी है आयुक्त लोक शिक्षण, कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, CEO इत्यादि इत्यादि। तो दोस्तों, ये जो है अब बहुत तेजी के साथ में पूरी तैयारी कर ली गई है दस्तावेज सत्यापन की। तो काफ़ी कुछ जैसे कि आशंकाएं आ रही थी कि कोरोना की वजह से कहीं स्थगित ना की कर दी जाए एक बार फिर से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि इतनी कार्यवाही होने के बाद में अब स्थगन होने का कोई विशेष कारण नहीं बनता है। तो दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आप सब लोगों के साथ में शेयर कर दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को, पसंद आया तो लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।